परवाह होते हैं लोग जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बन जाते हैं और वही कहता है कि हम तेज हैं जो कम समय देता है सवाल नहीं बनते हैं और कहता है हम कमजोर हैं दुनिया में कोई कमजोर तेज पैदा नहीं हुआ सब बराबर हुआ सब बहुत बार ऐसा हुआ ना हम आपको रियलिटी बताएं हम बटापे का जोड़ नाइन्थ में आके सीखे ई वाला हम ऐसे जोड़ देते थे पहले और इसमें क्या रखा है एक प्लस एक और तीन प्लस हो गई हमको नंबर ही नहीं आता था नाइन्थ में अला के बाद हमारा समझ में आएगी बहुत बड़ा चीज नहीं है कई गो थे सर दोस्तों मजाक उड़ाते थे हमको सवाल देता था भाई भाई है तो, नहीं नहीं तो 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 नहीं सात तीन दस अब मजा लेता था सब यहाँ पे एक दू था, था था उसमें कहा था ना पहले लसा लो लसलो लसा समझता हिंदी लघुत्तम समापवर्तक तो उसका एलसीएम लिया गया फिर क्या हुआ कि क्रॉस गुड़ा किया गया क्या किया गया क्रॉस ये तो समझ में आ गया हमको सब का एलसीएम ले लेना है फिर क्रॉस गुड़ा करके जोड़ के लिख देना एक बार गड़बड़ा गया हमारा कैसे हम फुल कॉन्फिडेंस में थे कि अब आ आगे लोम रहा एगो दिया इसे अब हम गड़बड़ा गए एलसीयम एक लिए हम पचीस मार दिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में पता चला जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम सेम तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ऊपर का सीधे सीधे जोड़ के कर दिया जाता तो अब धीरे धीरे समझ में अब हमको कुछ खास बुझाता नहीं था लेकिन मैथ से बड़ी उठपटांग था नाइन्थ में इतना ना मैथ पढ़े थे नहीं मैथ के मास्टर जी हम लोग से करते थे गार्जियन से हमारे दादाजी से बोले थे कि मैथ अब इसका ठीक हो गया है तब हमें समझ में आया कि जितने अच्छे से दोस्त समझा सकते हैं टीचर नहीं तो लेकिन आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास बैठिएगा तो क्या बतियाएगा चल चाय पीते चल संगा यही सब करेगा सब तुम लोग लड़की लोग में भी जो कमजोर तो है थोड़ा सा समझिए किसी लेकिन नहीं आप लोग ना, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे ना तो बी एस सी थे बैचलर ऑफ साइंस मेरा ऑनर्स था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैथ और सब्सिडरी में था जीएस समझा संगा क्या की बिहार की यूनिवर्सिटी से किसी से करिएगा तो एक के गो ऑनर्स होता है लेकिन अगर आप बी एच यू जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाइए या फिर अलीगढ़ मुस्लिम ये सब में जाएंगे ना तो आपको तीन ऑनर्स लेना होता है।, दस साल हो गया। का है तो हम लोग का सब्सिडरी में क्या था जी उसमें भी इसका नंबर नहीं जुड़ता था पता नहीं सब्सिडरी का नंबर जुड़ता है नहीं जुड़ता है इसमें इससे नंबर ही नहीं जुड़ता था उसके बाद भी ये ऑब्जेक्टिव होता था अठारह सौ की क्रांति कहाँ हुई थी ऑप्शन बी अच्छा ऑप्शन नहीं होता था लिखना होता था क्वेश्चन पूछेगा भारत अठारह सौ सत्तावन की क्रांति कहाँ हुई थी तो क्वेश्चन नंबर तेरह लिखना है मेरठ हो गया मतलब वो सेमी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आधा ऑब्जेक्ट ये सब था हम लोग काउंस में ऑनर्स पे इसमें उतना समझ लेकिन जब हम लोग आर्ट्स पढ़ने गए ना आर्ट जो मतलब ह्यूमेनिटीज के सब्जेक्ट है हिस्ट्री जोग्राफी ये सब इस सब दोस्तों ने बहुत हेल्प किया और सीनियर सब ने तो सीनियर का हम लोग काम भी कर देते थे फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता संजय तो सीनियर का बहुत सारा काम कर देते थे जो लड़के पढ़ने में ठीक थे ना उनका बहुत सारा काम कर देते थे अरे लाओ इधर से कुछ कुछ खाना वाना नहीं बनाने आता था

को छोड़ देगा तो तुम्हारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा बल्कि उसको और पढ़ाओ ताकि तुम दोनों में ज्यादा कंपटीशन हो एक रथ में घोड़ा लगता है तो धीरे भागता है दो लगा देने से दोनों कंपटीशन करके तेज भाग लेकिन नहीं संकुचित विचारधारा क्या कहिएगा पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देगी तो इन ये सब जो लड़के होते हैं ये आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे लेकिन जो कोऑपरेटिव होते हैं वो थोड़ा सा आपको क्या करते हैं हेल्प करते लेकिन पढ़ने वाले लड़कों की एक खराबी है वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कीजिए तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा बहुत आप जाइए उसके बाद उनके पास पहुंचिए पे का जोड़ो नहीं पता चल गए क्वांटम थ्योरी समझा दो तो भगा देते हैं आपको क्वांटम थ्योरी समझा देते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा अपने मेहनत कीजिए उसका भी थोड़ा तो हेल्प कर दीजिए बाकी आपको बहुत हेल्प करेगा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आप लोग को लास्ट टाइम है आपको इसके बाद पहुंची मिलेगा जी आप यहाँ नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया